दिल्ली की तर्ज पर जमशेदपुर में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर हमारे सहयोगी प्रभात ने कांग्रेस नेता अजय कुमार से बातचीत की। द्वारा दिल्ली के तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली में किसान के द्वारा आज ट्रैक्टर रैली निकाले जा रहा है, उसी के तर्ज पर जमशेदपुर के आम बागान में जहां सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी, वहां से एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर सामने लगा हुआ है और ट्रैक्टर के ऊपर जो यहाँ के किसान विरोधी जो आंदोलन के जो लोग हैं वो यहाँ शामिल हुए, और आपको एक बार दिखा सकते हैं ट्रैक्टर यहाँ से निकलेगी और ट्रैक्टर ये जाकर डीसी ऑफिस में संपन्न होगा। और ये लोग का साफ कहना है कि जब तक तीनों काला कानून को वापस नहीं लेते या केंद्र सरकार, तब तक ये किसान आंदोलन का रैली जो है वो चालू रहेगा। इस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये किसान लोग, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत में ये जो है ना अहंकारी सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना पूरे भारत में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि ये काला कानून वापस लें और सर्वोच्च न्यायालय से हम ये आग्रह करते हैं कि जिस तरीका से अगर ये समस्या का समाधान अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा तो आने वाला समय में जलियांवाला बाग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी, हम उनसे जानते किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का विरोध है ये, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका क्या हो सकता है? मोदी जी के काले कानून के खिलाफ ये सिर्फ किसान के एमएसपी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई ये एमएसपी की लड़ाई नहीं है। एमएसपी खत्म होगी तो राशन खत्म होगा। सरकार जब अन्न नहीं खरीदेगा किसान से तो बांटेगा क्या? तो मोदी जी राशन भी खत्म करना चाहते हैं। तो जमशेदपुर के जो बड़े बड़े फ्लैट में जो बैठे लोग हैं, सब लोगों को मैं यही अनुरोध करूंगा, बस्ती में लोग जो बैठे हैं, कि आपका राशन बंद होगा तो लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, देश की लड़ाई है। ये देश की लड़ाई है, केवल किसान की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से अगर एमएसपी को लेकर जिस तरीके की गतिरोध है, अगर सामान खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं तो खरीदने वाला कौन रहेगा? तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का विरोध है। यहाँ पे काफी संख्या में हर एक संगठन से लोग आए हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, सभी संगठन से लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से एक रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय तक जाएगा और वहाँ लोग एक तरीके से एक मेमोरेंडम देगा। देखिए ये किस तरीके से तिरंगा झंडा लड़ाकर, चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये लोगों के द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और इसी के तहत आज ये ट्रैक्टर रैली निकाला जा रहा है जो उपायुक्त कार्यालय तक घूमेगा और लोगों को और सरकार को और केंद्र सरकार को मजबूर करने की बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये जो तीनों काला कानून है इसे वापस लिया जाए। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर।